जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सीआईसी से पेशा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का ईडीएम्स का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, तो ये क्लास है आपका 7 नंबर क्लास और ये ऐसा ही कंटिन्यू चलेगा 10 तक। क्लास क्या है, हम सभी को फ्री देंगे। 10 क्लास के बाद हम क्या कर देंगे, पेड्स मेंबर के लिए ओनली फॉर क्लास रहेगा। तो आप भी हमारे साथ पेड कोर्स में बढ़िया से जुड़ के बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस नंबर में संपर्क करिए। अभी देखिए क्लास नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्लॉकिंग थ्रू हिज हैट। इसका मतलब होता है, मतलब कि जैसे खुद देखिए कुछ भी करने के लिए टॉकिंग थ्रू हिज हेड, इसका मतलब होता है कि मूर्ख की तरह बात करना। इसका मतलब हो गया कि मूर्ख की तरह बात करना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, टॉकिंग नॉनसेंस, अर्थात अपने मूर्ख की तरह बात करना। अभी देखिए, गो थ्रू फायर एंड वाटर, अर्थात कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना। मतलब अपना जैसे कोई वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना। तो यूज़ एंड कॉन्वेंसेबल मेथड, अर्थात क्या है, आप एक काम के लिए कोई भी मेथड को आप अपना के भी, आपको जैसे बोलता है ना, राम साम दंदा भेद करके कैसे भी हो हमारा काम को पूरा करना है, ठीक है। तो ये अभी देखिए 66 में क्या है, बोल रहा है कि रैंड्रॉइड का मतलब क्या है। रैंड्रॉइड का मतलब होता है कि उग्र हो जाना, ठीक है। तो उग्र हो जाने का मतलब हो गया, जैसे देखिए उग्र हो जाने का मतलब आपका कि एक्टेड विथ रेसिस्टेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 67 में क्या बोल रहा है, 67 का है गिव इन। गिव इन का मतलब क्या है, 67 में गिव इन का मतलब होता है झुकना या हार मानना। तो झुकना या हार मानने का मतलब होता है कि यील्ड, जो आपका ऑप्शन बी है 67 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 68 में क्या है, चेक बाय ज्वेल। चेक बाय ज्वेल का मतलब क्या है, चेक बाय ज्वेल का मतलब होता है कि अगल बगल में, अर्थात वेरी नियर, जो आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 69 में क्या है, गेव द गेम ओए का मतलब क्या है। गेव द गेम ओए का मतलब है कि रहस्य को खोल देना या रहस्य को उजागर कर देना। तो गेव आउट द सीक्रेट, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ट्रान एंड ऑनेस्ट पेनी का मतलब हो गया कि ईमानदारी से काम करना। तो ईमानदारी में काम करने का मतलब हो गया मेक ए लेजिटिमेट लिविंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जो 70 का ऑप्शन ए है आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 71 में क्या बोल रहा है कि मेड ए क्लीन बेस्ट का मतलब होता है कि अपराध को कबूल कर लेना, अपना अपराध को मान लेना। तो इनका मतलब क्या हो गया, कॉन्फेस्ड, जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 72 में क्या है, डन फॉर का मतलब क्या है। डन फॉर का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से बर्बाद होना। तो पूर्ण रूप से बर्बाद होने का मतलब हो गया ऑप्शन आपका ए जो होता है रेंट, ये आपका इसका मीनिंग होता है पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाना। अभी देखिए 73 में क्या है, 73 का है ऑन द लेवल का मतलब होता है कि समान स्तर पर होना, अर्थात मेंटली कॉम्पिटिबल, जो आपका ऑप्शन बी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 74 में क्या है, मेड ड्यूक एंड डार्क्स का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि फिजूल का खर्चा करना, अर्थात आपका जो स्पेंड आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यह तक था आपका 7 नंबर क्लास। तो आप लोगों को 7 नंबर क्लास कैसे लगा पक्का बताइएगा। 7 के बाद क्या है, हम लोग जैसे आपको बोले थे कि 10 तक का क्लास हम लोग सभी के लिए देंगे, 10 के बाद हम लोग का जितना भी क्लास रहेगा वो पेड मेंबर्स के लिए रहेगा। तो आप भी हमारे साथ पेड मेंबर्स में जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप में, तो हमारा नंबर है, इस नंबर में संपर्क करिए। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।